हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में ब्यूटीफुल हैंडबैग बनाएंगे। देखो, इसके लिए मैंने ब्लू कलर का और ऑरेंज कलर का ये मेरे पास बचा हुआ कपड़ा था वो मैंने लिया है। देखो, उसमें से मैंने ये स्ट्रिप्स काट के अलग कर दी है। देखो, इसका नाप मैं आपको दिखाऊंगी, 6 इंच जितनी चौड़ाई है इस स्ट्रिप्स की और 20 इंच लंबी स्ट्रिप्स है। ये ऑरेंज कलर की भी वही नाप की है, 6 इंच चौड़ी और 20 इंच लंबी। देखो, ये दोनों में से मैंने 4 स्ट्रिप्स काट दी है। देखो, ये ब्लू कलर की 4 है और ये ऑरेंज कलर की 4 है। फिर इसके बीच में रखने के लिए मैंने ये हार्ड स्पंज लिया है। देखो, इसको भी मैंने 4 स्ट्रिप इसमें से काट के अलग कर दिए। देखो, इसको हम कैसे रखेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। देखो, ऐसे ब्लू कलर का 2 स्ट्रिप्स ब्लू कलर की लेके बीच में ऐसे रखेंगे, फिर दूसरी ब्लू कलर की लेके उसमें बीच में स्पंज रखेंगे और उसके ऊपर दूसरी ब्लू कलर की रखेंगे। ऐसे ही हम 4 स्ट्रिप्स ऐसे तैयार कर देंगे, ऐसे। देखो, फिर ऑरेंज कलर में भी ठीक उसी तरह दोनों साइड ऑरेंज कलर की स्ट्रिप्स और बीच में स्पंज ऐसे रखेंगे। देखो, मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। पहले ब्लू वाली स्ट्रिप से दोनों साइड ऐसे सीधी रखेंगे। देखो, ये सीधी साइड है और ऊपर भी सीधी साइड है। इसको पहले हम सिल देंगे। दोनों साइड सीधा रख के देखो, यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ऐसे हल्के हाथों से सिलाई लगाते जाएंगे। देखो, ऐसे ही तीनों साइड हम सिलाई लगाएंगे। देखो, आपको याद रखना है कि वो स्पंज है वो हमें चारों साइड से आधा आधा इंच जितना छोटा रखना है इस स्ट्रिप से, क्योंकि हमें इसको ऐसे बीच में पास करना है। देखो, ऐसे सिलाई लगा के फिर ऐसे मोड़ के स्पंज हमें ऐसे अंदर पास करना है, तो आधा आधा इंच जितना इसको हम छोटा रखेंगे। देखो, ऐसे तो ये अच्छे से इसमें बैठ जाएगा। देखो, ये मैं अंदर डाल दिया है। फिर अच्छे से हाथ से प्रेस करके जो खुला भाग छोड़ा है उसके ऊपर भी हम सिलाई लगा देंगे। ये स्पंज मैंने हार्ड स्पंज यूज़ किया है, मैंने इसमें आप सॉफ्ट स्पंज भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। देखो, ऐसे मैंने 4 स्ट्रिप्स रेडी कर दी है। फिर ये ऑरेंज वाली है, उसमें हम ऐसे पैटर्न तैयार करेंगे। देखो, ऐसे क्रॉस में लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर ऐसे सिलाई लगा देंगे। जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसके ऊपर ही ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे। देखो, ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे, जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसी के ऊपर। ये मैंने हाथ से ड्रॉ की है, आप टेप से भी ड्रॉ कर सकते हैं। फिर ब्लू में भी देखो, उसमें तो ये लाइनिंग वाला कपड़ा है, तो एक लाइन को छोड़ के एक लाइन पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे। देखो, ऐसे फिर उस पर सिलाई लगाते जाएंगे। इसमें एक प्रिंटेड कपड़ा और एक प्लेन लोगे तो ही ज़्यादा बेटर दिखेगा। देखो, ऐसे ये ब्लू वाला है वो प्रिंटेड है, वो ऑरेंज है वो प्लेन लिया है मैंने, तो ये बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगा बैग। देखो, ऐसे ऐसे मैंने सिलाई लगा ली है। ब्लू में भी ये पैटर्न तैयार हो गई और चारों की चारों स्ट्रिप्स ऐसे मेरी बन के तैयार हो गई। देखो, फिर हम इसको जॉइंट कैसे करेंगे। देखो, ये आप ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा। देखो, ये 6 इंच वाली ब्लू वाली जो स्ट्रिप से उसकी चौड़ाई है और ये ऑरेंज वाली है उसकी लेंथ है। देखो, ऐसे 6 इंच तक ऐसे सिलाई लगाएंगे। देखो, ये लग चुकी है। फिर ऐसे करेंगे, फिर ऑरेंज वाली जो स्ट्रिप से उसकी चौड़ाई
और ब्लू वाली स्ट्रिप से उसकी लेंथ, जो लेंथ वाला भाग है वो देखो ऐसे जॉइंट करेंगे, फिर ब्लू वाले की लेंथ 6 इंच जितनी लेंथ है वहाँ तक ऐसे हम सिलाई लगाएंगे। देखो यहाँ पर भी सिलाई लग गई है, फिर एक स्ट्रिप्स बची ऑरेंज कलर की, उसमें भी हम ऐसे ब्लू वाले की चौड़ाई और ऑरेंज वाले की लेंथ वाला भाग है उसको हम ऐसे रखेंगे और यहाँ पर ऐसे सिलाई लगाएंगे। देखो आप ध्यान से पूरी की पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो ऐसे सिलाई लगा ली है, फिर दो एक खुले भाग है उसको भी हम देखो ऐसे जॉइंट कर देंगे, एक खुला भाग है उसको ऐसे पलट के हम यहाँ पर ऐसे सिलाई लगा देंगे। देखो ये 4 स्ट्रिप्स जॉइंट होके तैयार हो गई और बनने के बाद इस तरह से दिखेगी। फिर देखो फिर हमें क्या करना है, इसको पलट के उल्टा करके इन दोनों पास पास वाली जो स्ट्रिप्स है उसको हम जॉइंट करेंगे। देखो बिल्कुल आसान है, आप ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा। देखो ये ब्लू वाली है उसको ऑरेंज वाली स्ट्रिप्स के साथ ऐसे जॉइंट करेंगे। ये ब्लू वाली स्ट्रिप से वो ऊपर से 6 इंच जितनी ऊपर रहेगी और ऐसे हम एंड तक ऐसे कोने तक हम ऐसे सिलाई लगाएंगे। देखो ये सिलाई लग गई, फिर उसके पास वाली स्ट्रिप से उसको ब्लू वाली स्ट्रिप्स के साथ ऐसे जॉइंट करेंगे तो ऑरेंज वाला स्ट्रिप से वो ऊपर 6 इंच जितना ऊपर रहेगा। देखो ऐसे ऐसे अच्छे से रख के देखो ये ऊपर ऑरेंज वाला 6 इंच बचा, उसको भी हम ब्लू के साथ ऐसे जॉइंट करते हुए ऐसे सिलाई लगाएंगे। देखो ऐसे कोने तक एक कोना अच्छे से मिलना चाहिए, बस वो ही ध्यान रखना है हमें स्ट्रिप्स जॉइंट करते हुए। देखो ऐसे फिर इसके पास वाली है उसको देखो ऑरेंज के साथ ब्लू जॉइंट करते हुए तो ब्लू वाला स्ट्रिप से वो ऊपर से 6 इंच जितना ऊपर बचेगा। देखो ऐसे फिर उसको भी हम वैसे ही सिलाई लगाएंगे। देखो ऐसे धीरे धीरे सिलाई लगाते हुए नीचे तक जाएंगे। देखो ऐसे ये भी जॉइंट हो गया है, फिर एक बचा देखो ऐसे एक खुला है उसको हम यहाँ कोने से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। देखो ऐसे नीचे के भाग से सिलाई लगाएंगे। देखो अब ऑरेंज वाला है वो ऊपर से 6 इंच जितना बचेगा। देखो ऐसे देखो ये हमारा बैग्स जॉइंट होके तैयार हो गई सारी की सारी स्ट्रिप्स। फिर इसको हम पलट के सीधा कर देंगे। देखो ये हमारा हैंडबैग सीधा हो गया है। देखो ये नीचे से कुछ इस तरह से दिखेगा, फिर अच्छे से कोने सारे निकाल के फिर देखो मैंने बचे हुए कपड़े में से ऐसी स्ट्रिप्स काट दी है ब्लू और ऑरेंज कलर की पाइपिंग लगाने के लिए। देखो ये उरेप में काटी हुई है मैंने, फिर ये ब्लू के साथ ब्लू वाली पट्टी है उसको हम इस सीधे के ऊपर उल्टी पट्टी रखते हुए ऐसे सिलाई लगाएंगे। देखो हमें ऊपर फिनिशिंग लाने के लिए ये पाइपिंग लगानी जरूरी है, तो सीधे के ऊपर उल्टी पट्टी रख के
ऐसे सिलाई लगाएंगे, देखो ऐसे, फिर कोने पे ऐसे, देखो आप ध्यान से देखना कि मैं किस तरह से पट्टी मोड़ रही, देखो ऐसे। फिर ब्लू कलर की पट्टी जितनी बचे उतना उसको हम पहले काट देंगे। देखो इतनी बची है तो हम एक्स्ट्रा पट्टी काट देंगे। फिर इतनी अंदर मोड़ते हुए, अंदर ऐसे पट्टी मोड़ते हुए ऊपर नीचे अच्छे से पाइपिंग बैठ जाए वैसे, देखो ऐसे करके हम अंदर की ओर मोड़ते हुए ऐसे पट्टी को, देखो ऐसे अंदर मोड़ते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। देखो ये ब्लू वाली पाइपिंग बनके तैयार हो गई, देखो। फिर ठीक उसी तरह हम ऑरेंज में भी, जो हमने ऑरेंज पट्टी काट के रखी है उसको भी हम ठीक उसी तरह सीधे के ऊपर उल्टी पट्टी रख के ऐसे सिलाई लगाएंगे और उसकी पाइपिंग भी ठीक उसी तरह तैयार कर देंगे। देखो ऐसे सिलाई लगाते हुए फिर जितनी पट्टी बचती है उसको हम काट के अलग कर देंगे। फिर अंदर की साइड मोड़ते हुए ऐसे, देखो इसको भी हम ऐसे अंदर की साइड पट्टी मोड़ते हुए ऐसे अंदर पट्टी मोड़ते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। इसको भी हम ऐसे ही ब्लू वाली जैसे तैयार की है वैसे ही ऑरेंज वाली पाइपिंग भी हम तैयार कर देंगे। देखो ये बनके तैयार हो गई है। उसी तरह हम इस साइड भी, पीछे वाली साइड भी हम ऐसे ही पाइपिंग लगा के तैयार कर देंगे। देखो ये वाली साइड भी मैंने पाइपिंग बना ली है। फिर हम इसके बेल्ट तैयार करेंगे। देखो इसके लिए मैंने ये ऑरेंज वाली पट्टी ली है, ये 3.5 इंच जितनी चौड़ी है, देखो ऐसे। और इसकी लेंथ आप चाहे जितना रखना चाहते हैं उतनी रख सकते हैं, लेकिन मैंने 24 इंच लेंथ है इसकी। फिर ये स्पंज है, उसकी स्ट्रिप्स भी मैंने ऐसे काट दी है, देखो। और ये 19 इंच लंबी है और 2 इंच जितनी चौड़ी है, इसको इतनी रखेंगे। देखो ये दोनों साइड इतनी इतनी बचेगी जिसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। इसमें भी हम पहले स्ट्रिप्स में ऐसे सिलाई लगाएंगे, ऐसे सिलाई लगा के बेल्ट तैयार कर देंगे। देखो ये एक साइड सिलाई लगा के फिर इसको हम पलट के सीधा कर देंगे। देखो ये इसको आप ऐसे पलट के सीधा कर देंगे पहले। फिर ये स्पंज है उसको ऐसे मोड़ के
धीरे धीरे अंदर डालेंगे। देखो ये हार्ड फॉर्म है, इसलिए हमको ऐसे करना है। अब सॉफ्ट स्पंज ले रही है तो आप इसके ऊपर सिलाई लगा भी सकती है, इसको ऐसे मोड़ के सिलाई लगानी है। पर ये हार्ड स्पंज है क्योंकि ये मुझे थोड़ा टाइट बनाना है, तो ये मैंने इसमें हार्ड स्पंज यूज़ किया है। देखो ये ऐसे बेल्ट ऐसे बनेगा। फिर इसको कोने से ऐसे शेप देते हुए सिलाई लगाएंगे। देखो अंदर की साइड ऐसे सिलाई लगा देंगे। देखो इसे दोनों साइड हम ऐसे अंदर की साइड ऐसे मोड़ के सिलाई लगा देंगे। देखो ऐसे ही मैंने दूसरा बेल्ट भी तैयार कर दिया है। देखो ये बन गया है एक बेल्ट, ठीक उसी तरह मैंने दूसरा बेल्ट भी बना लिया। फिर हम इसको जॉइंट कैसे करेंगे देखो वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये ब्लू वाला है पार्ट, उसके ऊपर ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे, फिर इसके ऊपर जो हमने शेप दिया है उसी के हिसाब से हम ऐसे सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई आपको अच्छे से लगानी है देखो ऐसे, ताकि हमारा बेल्ट अच्छे से फिनिशिंग के साथ जॉइंट हो जाए, ताकि हम इसमें कितना भी वजन डाले अच्छे से स्ट्रिप्स हमारी निकल ना जाए। देखो ऐसे दूसरी साइड भी हम उसी तरह, देखो ऐसे ऐसे रख के हमने जो शेप दिया है उस इसके ऊपर हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। देखो ये एक साइड हमारा बेल्ट जॉइंट होके तैयार हो गया है। ठीक उसी तरह हम दूसरी साइड भी वैसे ही बेल्ट जॉइंट कर देंगे। देखो ये मैंने कर दिया है। फिर हम इसमें एक बटन तैयार करेंगे, इसके लिए हमने देखो ये ऑरेंज कलर का कपड़ा है, उससे हम एक स्ट्रिप्स बनाएंगे पतले। देखो ऐसे ऐसे नॉक बनाने के लिए है। फिर इस पंच का ऐसा राइट एंगल टुकड़ा ऐसे लेंगे, फिर इतना कपड़ा है ब्लू कलर का उसमें ऐसे रख के, फिर चारों साइड ऐसे मोड़ के हम सुई और धागे की मदद से बटन तैयार करेंगे। देखो ऐसे मोड़ के अंदर की साइड ऐसे सुई और धागे की मदद से अच्छे से देखो ऐसे सील लेंगे, चारों की चारों साइड ऐसे अंदर मोड़ते हुए। ऐसे हमारा बटन तैयार हो गया देखो ऐसे। ये बैग में लगने से बैग बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है देखो ऐसे। इसके साथ हम बैग के साथ ऐसे अटैच कर देंगे, इसको भी हम ऐसे सुई और धागे की मदद से ऐसे बीचों बीच रख के ऊपर की तरफ हम ऐसे सिलाई लगाते हुए नीचे थोड़ा सा हम खुला छोड़ेंगे, क्योंकि हमको वो नॉक लगाना है वो अच्छे से बटन में बैठ जाए। देखो बटन जॉइंट हो चुका है।
फिर हम नॉट लगा के सुई और धागा अलग कर देंगे। देखो ऐसे नीचे से खुला छोड़ेंगे, फिर हम ऐसे ऐसे स्ट्रिप्स रख के पीछे वाली साइड है उसकी अंदर की साइड हम स्ट्रिप ऐसे मोड़ के लगाएंगे। देखो ऐसे अंदर की साइड रखेंगे, इसे आप मशीन से भी अटैच कर सकती है। देखो ये हमारा नॉक भी तैयार हो गया है। फिर इसको हम ऐसे बटन में ऐसे पिरो देंगे। देखो ऐसे ये हमारा ब्यूटीफुल बैग बनके तैयार हो गया। देखो ये बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। और ये हमारे पास बचे हुए कपड़े हैं, उसी में से हम इतना ब्यूटीफुल बैग बनके तैयार करेंगे। देखो ऐसे बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है।